हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का अपने पद से इस्तीफा देना वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की गंभीरता को दर्शाता है। ये शब्द पूर्व मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुधीर शर्मा ने एक खास मुलाकात के दौरान कहे। उन्होंने आरोप जड़ते हुए कहा कि जहाँ एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष को स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के कारण इस्तीफा देना पड़ता है, तो आम जनता वर्तमान सरकार से किस प्रकार के न्याय की मांग कर सकती है, ये हमें सोचना होगा। उन्होंने कहा कि यदि हम वर्तमान हालत देखें तो जो सरकार की प्रदेश में जो एजेंसियां हैं उनसे किस प्रकार की न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनकी मांग है कि ये मामला प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और इस सारे के सारे मामले को उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के द्वारा करवाना चाहिए ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि इस मामले में उन्हें लगता है कि न केवल संगठन के मुखिया बल्कि सरकार के अंदर भी कुछ बैठे बड़े लोगों के नाम आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते इतने बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई है और उसमें घोटाला हुआ है, ये अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। उन्होंने कहा कि एक मानव ऐसे कार्य कर सकता है इस महामारी के समय, जिस समय इतनी बड़ी आपदा पूरे विश्व में आई है, लोग उस समय अपनी जेब भरने से पीछे नहीं हट रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के साथ जिनकी सांठगांठ पूरी तरह से है। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का अपने पद से इस्तीफा देना वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की गंभीरता को दर्शाता है। जहां एक राष्ट्रीय दल के प्रदेशाध्यक्ष को स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के कारण इस्तीफा देना पड़ जाए, तो आम जनता वर्तमान सरकार से किस प्रकार के न्याय की कल्पना कर सकती है, ये हमें सोचना होगा। अभी अगर हम वर्तमान हालात देखें तो सरकार की जो एजेंसियां हैं प्रदेश की, उनसे किसी प्रकार की न्याय की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। हमारी ये मांग है कि उच्च न्यायालय के वर्तमान जो भी न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें ये लगता है कि न केवल संगठन के मुखिया बल्कि सरकार के अंदर भी कुछ बैठे हुए बड़े लोगों के नाम आने की आशंका है और कोरोना महामारी के चलते इतने बड़े पैमाने की जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें जो घोटाला हुआ है ये अकल्पनीय है, कल्पना के परे है कि एक मानव ऐसे कैसे कार्य कर सकता है इस महामारी के समय में, जिस समय इतनी बड़ी आपदा पूरे विश्व के ऊपर आई हो और लोग उस समय भी जो है वो अपनी जेबें भरने से पीछे नहीं हट रहे हों और सत्तारूढ़ दल के साथ जिनके सांठगांठ पूरी तरह से हो।